जय राम चाचा। क्या हाल चाल है? बढ़िया है, अपना बताइए। बस ठीक है। कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही, आपके इंटरव्यू लेना है। चलिए बढ़िया, अच्छी बात है। तो आपका क्या नाम है? गिरजेश कुमार वर्मा। कितना भाई है आपके? दो भाई हैं। क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। क्या पैसा करते हैं आप? पैसा पहले हम दिल्ली में थे, नौकरी कर रहे थे प्राइवेट, और वहाँ से 2-3 साल हो गया हम नौकरी छोड़ दिए हैं। तो गांव में खेती बाड़ी माँ बाप के साथ में रह करके यहीं पे लगे बजे हैं। दूसरे भाई क्या करते हैं? दूसरा भाई हमारा दिल्ली में है, सर्विस कर रहे हैं और अपनी गाड़ियाँ खरीदे थे, लोडिंग गाड़ी है, दिल्ली में चला रहे हैं। हम उनका आभारी हूँ, साइड बिजनेस है। आपके माता पिता का क्या नाम है? पिताजी का नाम उग्रसेन वर्मा है और माता जी का नाम जगपता देवी है। क्या करते हैं अभी आप? बस यही घर का गृहस्थी में, माता जी घर का गृहस्थी में है और पिताजी की खेती बाड़ी का ही यहाँ गांव में। और क्या काम होता है? तो आप अपने माता पिता के साथ में संतुष्टि से रहते हैं? बिल्कुल संतुष्टि से रहेंगे, उन्हीं का सब कुछ है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं अभी आगे आप? आगे क्या चाहते हैं? आगे दो बच्चे हैं, उन्हीं को पढ़ा लिखा रहे हैं। भाई के दो बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। हम अपने छोटे भाई का बड़ा आभारी हूँ, जो काम हमें करना चाहिए था आगे बढ़ के कमाना बच्चों को, वो कर रहा है आज। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई कि हमें नौकरी छोड़ करके अपने गृहस्थी में लगना पड़ा, और छोटा भाई हमारा जो हमारा संभाल रहा है हमारे काम को, हम उससे बहुत खुश हैं, उसका बहुत बड़ा आभारी हूँ। माता पिता आपके पढ़ाई लिखाई किए हैं कि नहीं? ऐसे ही नहीं, माता जी पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन पिताजी कुछ 2-4 क्लास जरूर गए हैं स्कूल, पढ़े लिखे हैं। तो आपको शिक्षा क्यों नहीं दी? नहीं, शिक्षा दी हैं, ऐसी बात नहीं है। परिस्थितियां कुछ ऐसी थी उस समय कि जितना हो सका था उनसे, उन्होंने पूरा कोशिश किया पढ़ाने लिखाने में। नहीं, नसीब में था, नहीं पढ़ पाए। ऐसी बात नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं किया, कोई चाहता नहीं कि अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, चाहते हैं, लेकिन आगे चल के हम नहीं पढ़ लिख पाए, कमज़ोर भी थे पढ़ने में। अच्छा। तो प्रदेश निकल गया था, मन नहीं लगा। तो खेतीबाड़ी में अपना क्या कर रहे हैं उसमें? क्या बोते हैं, क्या कैसे करते हैं? देखिए, सीजनी वाइज फसल बोया जाता है। जैसे बरसात के मौसम में धान लगाया जाता है, अभी गेहूं है, गन्ना है, अरहर, चना, मटर, यही सब है। अच्छा। यही सब फसल लगाए जाते हैं खेतों में। पैसा तैयार करने के लिए क्या चीज़ इसमें है कि मेन पैसे के जरिए हमारे किसान लोगों का ये गन्ना ज़्यादा महत्व रखता है। अच्छा। अगर समय से पैदावार अच्छा हो जाए और समय से बिक जाए, और मिल जो पैसा देता है अगर समय से दे दिए, कटौती ना करे, तो वो पैसा हमारे को काम चलता है। अच्छा, गाँव के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? गाँव में कमी क्या है, क्या तकलीफ है आपको कुछ? हाँ, गांव के बारे में बोलना चाहेंगे। गांव हमारा जैसा था उससे काफ़ी बदलाव है। लोगों के अंदर पहले जो था वो भी अच्छा बदलाव है, लोग शिक्षित हो रहे हैं धीरे धीरे। भाव कम हो गया? हाँ, पहले ईर्ष्या भाव कम हो गया है, लोग शिक्षित हो गए हैं, एक दूसरे के प्रति जागरूक हैं, ऐसी बात नहीं है। गांव में क्या होना चाहिए और कि मतलब गाँव का विकास हो, क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा है? गांव के विकास के लिए सबसे पहले एक विद्यालय होना चाहिए। जो आज के बच्चे गरीब बच्चे हैं, वो नहीं पढ़ लिख पाते हैं, शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाता, शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। जब विद्यालय हो जाएगा, शिक्षा पाएंगे, पढ़ेंगे, तो समाज में उठने बैठेंगे, वो भी अच्छी शिक्षा सीखेंगे, लोगों के हर विचार भावनाओं को समझेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारे गाँव का रोड विकास, जैसे हमारे प्रधान जी हैं या पूर्व प्रधान थे, जो कर रहे हैं, जैसे यहाँ का बजट आता है सरकारी बजट, स्वास्थ्य के बारे में लोगों के घर घर 10,000 रुपया सरकार दे रही है, 12,000 दे रही है लैट्रिन घर बनने का, ऐसा करके थोड़ा थोड़ा अगर सबको घर पीछे मिल जाता है, और जिसको अच्छा बनवाना, कुछ अपने घर से पैसा लगा के अच्छा बनवा लेता है, जिसके पास नहीं है उतने में गुजर बसर करता है, ये सब अगर व्यवस्था मिलेगा तो उम्मीद रखेंगे कि स्वास्थ्य हमारा आगे बढ़ेगा। और लाइट भी कई सालों से, आज 8-10 साल से हमारे गांव में लाइट भी है, समय से रहता भी है, समय कहने मतलब समय के अनुसार हर चीज़ होता है, ऐसी बात नहीं है। पहले से बदलाव हुआ, काफ़ी अच्छा बदलाव हुआ है। जो क्रोसिन मिट्टी तेल 2-4 लीटर मिलता था, आज के डेट में 1 लीटर मिल रहा है, क्योंकि लाइट है, सबको उतना आवश्यकता नहीं पड़ता है। इस वजह से कम हो गया। आप तो कुछ देश के बारे में कहना चाहेंगे? देश के बारे में क्यों नहीं कहना चाहेंगे, देश में ही हम हैं, और देश हमारा सबसे देश भी है। देश हमारा आगे रहेगा तो हमारा भी नाम जुड़ा रहेगा, कहीं पे है तो देश के पीछे हम भी हैं।
उस आदमी का नाम बताइए जो देश को आगे ले जाने वाला है अभी मौके पे। मौके पे नरेंद्र मोदी जी का नाम चर्चा, सब चीज़ जो काम के बारे में, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी के बारे में, अच्छी अच्छी नौकरियों के बारे में, नौयुवा के लिए अच्छा अच्छा जो सोच है उनका, वो बहुत अच्छा है। हम तो अपने सबसे यही गुजारिश करेंगे कि उनका साथ दिया जाए और वो जो सोच रहे हैं वो बहुत ही अच्छा, तभी विकास होगा, नहीं तो अन्यथा सब घुसखोर और चोर बेईमान हैं। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, राज्य सरकार भी जो करना चाहिए पूर्ण संपूर्ण रूप से नहीं कर पाता, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कमियागिरी होता है। आपके निगाह में नरेंद्र मोदी जी हैं वो बहुत अच्छे हैं, देश आगे ले जाएंगे। और गांव के बारे में कुछ कमी आपको महसूस हो रहा है और कुछ होना चाहिए गांव के बारे में? जैसे अब बताए हैं कि अगर हमारे प्रधान जी चाहें तो विकास गांव में कर सकते हैं। हमारा ग्राम समग्र ग्राम भी नहीं है, ना लोहिया है ना अम्बेडकर है, अगर वो कोशिश करें तो कुछ करवा सकते हैं इस गांव के बारे में। कुछ लोग बहुत ही गरीब हैं जिसके पास छप्पर है अभी और मैंने छत नहीं है सर पे, वो बहुत परेशान है। आगे आप... बात ये है, आपके माता पिता ने आपके लिए क्या किया? हमारे माता पिता बहुत कुछ किए हैं। क्या किया जैसा बताओ? अब जैसे उन्होंने पैदा किया, पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया, शादी विवाह किया, हमारे भी बच्चे हैं, यही सब उनको खुशियां है देख करके कि हमारे बच्चे पढ़ लिखे या कुछ भी किसी तरीके से जो उनके पास हो सका, सब अपने यही चाहते थे कि हमारा बच्चा आगे निकले, लेकिन नसीब भाग्य से ज़्यादा कुछ किसी को मिलता नहीं है, जो किस्मत में है वही मिलेगा। आप लोग के लिए कोशिश बहुत की है? बहुत कोशिश किए हैं। और आपने अपने माता पिता के लिए क्या किया, तो क्या करना चाहते हैं? करना यही चाहते हैं कि उनको हर चीज़ की सुख सुविधा मिले, बुढ़ापे वक्त में उनको किसी चीज़ की परेशानी ना हो, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अरे तो ऐसा क्या कर रहे हो कि हाथ ना फैलाना पड़े? तुम क्या कर रहे हो? ऐसा यही उम्मीद किया जा सकता है कि जैसे हम प्राइवेट नौकरी करते थे, कोई सरकारी नौकरी है नहीं, साइड बिजनेस है नहीं, कोशिश यही कर रहे हैं कुछ साइड बिजनेस करें या कुछ भी करें और उससे उनको पैसे के इंतजाम में आमदनी हो और उसी से उनका भी क्या नाम है सुख सुविधा मिले। तो ऐसा क्या प्लान क्या है तुम्हारा, ये बताओ ना। प्लान समय के अनुसार होता है, अभी क्या प्लान, क्या तुम्हारी उम्र है, तुमने नहीं किया तो बाद में क्या करोगे, क्या पता? बाद में क्या करेंगे, क्या बताएं क्या करेंगे। स्थितियां अभी हमारी एक छोटी बहन है जिसकी शादी करना है, सबसे बड़ी टेंशन वही है कि अभी शादी करने के बाद में हम फ्री होंगे, इसके बारे में हम सोचेंगे साइड बिजनेस क्या करें। शादी होने के बाद आप सोच सकते हैं। रुकावट क्या आ रही है? रुकावट यही कि मनपसंद का लड़का मिलना चाहिए, घर परिवार हर चीज़, शादी ऐसे होता नहीं, पूरे जीवन का फैसला है, तो इसमें समस्या चल रहा है और आगे चल रहे हैं, देख रहे हैं कहीं अगर सही। गांव में कुछ तकलीफ है आपको, गांव के बारे में क्या कहना चाहते हैं जिससे गांव? नहीं, गांव से हमें कोई तकलीफ नहीं है। आपका संबंध कैसा है सब लोग से? नहीं, संबंध देखिए, संबंध अकेले से नहीं होता, सबसे जो जिस तरीके से व्यवहार करता है उसी तरीके से करना पड़ता है। हम ही सोचते हैं कि अगर हम किसी का बुरा नहीं किया तो हमारे पीछे कोई बुरा क्यों करे, नहीं करेगा, लेकिन हम बुरा करेंगे तो बुरा करेगा जरूर। कोई लगता तुमने बुरा किया किसी का? भाई देखिए, बुरा किया नहीं किया, अनजाने में हुआ, जाने में हुआ, ये सब कोई चीज़ बता नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोई बुरा समझ रहा तो उसके साथ हम बुरा किए होंगे तभी तो बुरा समझेगा। अगर अच्छा किए हैं, लोग हमें अच्छा कहेंगे तो समझेंगे कि अच्छा किए हैं। तुम अपने बच्चों के बारे में क्या सोच रहे हो, उनका बच्चों का भविष्य? बच्चों का भविष्य ये है कि उनको पढ़ाया लिखाया जा रहा है और पढ़ लिख करके, वो तो हर कोई अपना बच्चा पढ़ाता लिखाता है, तुम क्या सोच रहे हो, क्या बनाना चाहते हो? बनाना क्या चाहते हैं, कोई किसी का नसीब हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई सबसे बड़ा अनिवार्य चीज़ है, पढ़ लिख करके जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छे वो आगे जाएंगे, तो संकल्प लेने से काम बहुत बड़ा हो जाता है, होता है, लेकिन संकल्प लेने से अगर बच्चा नहीं आगे जा रहा है तो आप संकल्प लेकर क्या करेंगे? आप अपने बच्चे से पूछो तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। अगर तुम्हारा बच्चा डॉक्टर बनेगा तो उससे सहमत हो? बिल्कुल सहमत है। किस चीज का डॉक्टर बनना चाहता है पूछे, डॉक्टर बहुत सारे हैं। तो वही है ना, तो वो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है लेकिन अभी उसको ये समझ में नहीं है कि किस चीज़ का डॉक्टर बनेंगे।
अनजान लड़का है, ये उस देख रहा है कि डॉक्टर बन रहे हैं, हम दवा करने कराने जा रहे हैं, वो सुई लगा रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, कोई पेशेंट आ रहा है, किस तरीके से इलाज कर रहे हैं, ये सब देख रहा है। अच्छा ठीक है, आध्यात्मिक जगत में आपका क्या सोच है, क्या होना चाहिए अध्यात्म के हिसाब से? आध्यात्मिक मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक मतलब यही होता है कि आपका जैसे मंदिर से लगाव है, कि गुरु से लगाव है, भगवान से कैसे लगाव है, क्या है, कहाँ कैसे क्या है? ये चीज़ पे आपके सहमत हैं। देखिए, हम जो है डेली जाकर के मंदिर में पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन आत्मा के अंदर जो हमारा भगवान के प्रति भावना है वो बहुत अच्छा है। हम कहने मतलब जितना हो सकता है सहयोग, कहीं पे कुछ है दान पुण्य जो करना होता है, या कहीं पे है दान स्थल, धार्मिक स्थल पर, वहाँ हम समय निकालते हैं और जाते ज़रूर हैं। चलो ठीक है, दूसरी बात ये बताओ, मैं सुना कि आप बॉम्बे में रहते थे, वहाँ से छोड़ के क्यों आ गए, अच्छा पैसा कमा रहे थे? हाँ, बॉम्बे में गया था, 8-9 महीने काम किया, अच्छा पैसा भी कमाया, ये बात नहीं है, लेकिन हमें वहाँ का लोगों का वातावरण अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया, इसलिए हमने मुंबई छोड़ के आया। रहन सहन नहीं अच्छा, रहन सहन, और फिर वातावरण नहीं, वातावरण ओहो, लेकिन जब हम उनको गाली दोगे कि अपने माँ बाप को देखोगे, अपने माँ बाप की सेवा करना चाहोगे? कोई मुझे क्यों गाली दे, सबसे बड़ी बात है कि हमें बात करते हो। हाँ, आप ये बताओ कि आप अपने वातावरण यहाँ खराब होगा तो क्या यहाँ से छोड़ के चले जाओगे? नहीं, यहाँ का वातावरण खराब हो जाएगा, यहाँ तो हम खुद, हमारा निजी जीवन है, क्यों छोड़ के चले जाएंगे? वहाँ हम जा करके रह करके हर चीज़ को देख रहे हैं, उसे बनने के लिए कुछ कष्ट उठाना पड़ता है, मानते हैं, तो इसके लिए वहाँ से आप क्यों छोड़ के आए? कुछ कष्ट अगर उठाते तो कुछ आगे बढ़ जाते। सबसे बड़ी बात, मुंबई के अंदर रहने का व्यवस्था कोई अपना पूर्वज का चीज़ है नहीं, प्रॉपर्टी की वहाँ पे है कि हम रहने का, नमक रोटी ही मिले, लेकिन रहने का वतन हो तो आगे सोचें, जब रहने का वतन नहीं है तो वहाँ आगे क्या सोचें? मतलब इससे ज़्यादा, हाँ, फैसिलिटी आपको गांव में ज़्यादा बेटर लगता है? बेहतर लगता है।